हेलो, यूपीएससी ज्ञान दायिनी की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे एक एक क्रम से। अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल के बाद जितने भी भारतीय राजवंश थे उनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से बात की है। तो कल हमने आंध्र सातवाहन वंश पढ़ाया था, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के विदेशी शासकों के बारे में, है ना। चलिए आज हम लोग जान लेते हैं मौर्य काल के विदेशी शासक कौन कौन आए थे ना। मध्य एशिया से मौर्य काल के विदेशी शासक आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कौन कौन आए थे ये जो शासक थे वो कौन कौन आए थे? तो ये शक, पर्थियाई, पहलो और कुषाण आए थे। शक, पर्थियाई, जिनको पहलो भी बोलते हैं, पर्थियाई को ही पहलो बोलते हैं, है ना। कुषाण, कुषाण है ना। तो ये शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया था। ये सारे शासक कहां से आए थे, कहां के आक्रमणकारी थे ये? तो ये सब मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के थे, ठीक है, मध्य एशिया के थे ये सब। शक, पर्थियाई, कुषाण, है ना, ये सब कहां के थे? तो ये सब मध्य एशिया के आक्रमणकारी थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने अपने इंडिया पे, अपने भारत पे बहुत ही बड़े भाग में अधिकार किया था, बहुत ही बड़े भूभाग में अधिकार किया था और कई वर्षों तक इन्होंने अधिकार किया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्रम से इनके बारे में जानेंगे कि कौन पहले आया, क्योंकि इनका क्रम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में बहुत ही ज्यादा इनका क्रम भी पूछा जाता है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे हिंद यवन के बारे में। हिंद यवन यूनानी शासक यूं आप लोग कह लीजिए, यूनानी आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल आता है उसमें दो राजवंश हाईलाइट होते हैं, वो कौन कौन से? भारतीय राजवंश होते हैं कुछ, जो छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, वो भी छोटे छोटे भागों में, कुछ छोटे छोटे भू क्षेत्रों में अपने अधिकार क्षेत्रों को केंद्र बनाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात हम लोग करेंगे हिंद यवन के बारे में। हिंद यवन के बारे में सबसे पहली घटना कब हुई थी? मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना तब हुई जब किसने आक्रमण किया, जब बैक्ट्रिया यानी कि बैक्ट्रिया को पहले इसको बैक्ट्रिया जाना जाता था, लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान को पहले किस नाम से जाना जाता था? अफगानिस्तान को पहले बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में हम लोग जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं, है ना, अफगानिस्तान बोलते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? काबुल है। ओके, तो वही बात हम लोग कर रहे थे कि मौर्य काल के बाद जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना तब हुई जब हिंद यवनों ने आक्रमण किया, है ना, यूनानियों ने आक्रमण किया, ये सबसे बड़ी घटना थी। यूनानियों में से सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो यूनानियों में सबसे पहले डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया था, है ना। किसने आक्रमण किया? डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया। कहां पे? इंडिया पे, भारत में डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया और उसने पंजाब के एक बहुत बड़े भूभाग पर
बहुत ही बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाया और उसका केंद्र किस स्थान को बनाया, तो उसका केंद्र बनाया था साकल को। साकल को इसने अपनी राजधानी बनाई, है ना, साकल को इसने अपनी राजधानी बनाई। ये सबसे पहला आक्रमणकारी था, कहां का, हिंद यवन का, है ना, हिंद यवन का, यानी कि इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक आक्रमणकारी कौन था सबसे पहले, तो वो डेमेट्रियस प्रथम था, डेमेट्रियस प्रथम था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पंजाब क्षेत्र को अधिकृत किया और वहां पे अपना केंद्र किस क्षेत्र को बनाया, उसने अपना केंद्र साकल को बनाया था, है ना, साकल को अपना केंद्र बनाया। इसके राज्य की और क्या विशेषता थी, इसने क्या किया, इसके राज्य की नहीं, इनफैक्ट हिंद यवन शासकों की विशेषता बताएं, तो हिंद यवन शासकों में विशेषता थी कि हिंद यवन शासकों ने भारतीय राजाओं की उपाधियों को धारण किया था। हिंद यवन जो शासक थे, तो इन्होंने भारतीय राजाओं की, भारतीय राजाओं की, राजाओं की उपाधियों को धारण किया था, उपाधियों को धारण किया था। ये तो पहला पॉइंट हुआ, है ना, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कौन सा पॉइंट होता है, पहला तो इन्होंने भारतीय राजाओं की उपाधियों को धारण किया, और दूसरा, दूसरा इन्होंने क्या किए, इनके शासनकाल में सिक्के चलाए गए। वो सिक्के कैसे होते थे, वो सिक्के इनके खरोष्टी, वो सिक्के इनके कैसे होते थे, तो वो इनके सिक्के यूनानी और खरोष्टी दो लिपियों में होते थे। कौन कौन से, यूनानी और खरोष्ठी, खरोष्ठी दो लिपियों में इनके क्या होते थे, इनके सिक्के होते थे, ठीक है, इनके सिक्के होते थे दो लिपियों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग, पहला आक्रमणकारी कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। तो इसी के नाम से भारत में डेमेट्रियस वंश स्थापित हुआ, इसी के नाम से भारत में डेमेट्रियस वंश स्थापित हुआ, डेमेट्रियस ट्रियस वंश, ठीक है। क्योंकि पहला आक्रमणकारी कौन था हिंद यवन का, इंडो ग्रीक का, वो डेमेट्रियस था, तो इसी के नाम से इंडिया में डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस वंश स्थापित हुआ। और इसका जो सबसे प्रतापी शासक था डेमेट्रियस वंश का, तो सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, मिनांडर, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। प्रतापी शासक यानी कि महान शासक था, है ना, महान शासक था ये, कौन, मिनांडर, मिनांडर सबसे महान शासक था। इसको बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, इसको बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य में इसको, बौद्ध साहित्य में इसको मिलिंद नाम से जाना जाता है, मिलिंद नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिलिंद नाम से जाना जाता है इसको, किसको, मिनांडर को, है ना, मिलिंद नाम से जाना जाता है। इसकी मुलाकात नागसेन, नागसेन कौन था इसके शासनकाल में, तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, है ना, नागसेन, नागसेन, नागसेन कौन था इसके शासनकाल में, तो नागसेन जो है एक बौद्ध, बौद्ध भिक्षु था, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो ये क्या किया, इसने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, है ना, नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और ये क्या बन गया, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, कौन, मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा जाता है, ठीक है। जब बहुत वाद विवाद हुआ नागसेन से, किसका, मिनांडर से, और जब वाद विवाद हुआ मिनांडर से, और जब इसने बौद्ध धर्म का ये उपासक बना मिनांडर, किससे, नागसेन से वाद विवाद करके, तो इसने, नागसेन ने एक ग्रंथ लिखा, किसके, अपने और मिनांडर के वाद विवाद, और जो उसने कैसे धर्म का उपासक बना बौद्ध धर्म का, तो इसी के रिलेटेड में एक पुस्तक इसने लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पंडो। मिलिंद पंडो में क्या है, मिनांडर और नागसेन का वाद विवाद है,
और मिनांडर के द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया वो उसका उपासक बना, इसके अंदर यही सारी जानकारियां उल्लेखित की गई हैं। ठीक है, अगला जो हिंद यवन का दूसरा वंश था, जो दूसरा आक्रमणकारी था, वो है यूक्रेटाइड्स, है ना, यूक्रेटाइड्स ने क्या किया, यूक्रेटाइड्स ने आक्रमण किया, लेकिन पहले भारत पर आक्रमण नहीं किया। ये जो मिनांडर था ना, वो जो डेमेट्रियस प्रथम था, इसने इसका एक साम्राज्य जो है अफगानिस्तान यानी बैक्ट्रिया में भी था। तो इसने बैक्ट्रिया के शासन को छोड़कर, बैक्ट्रिया की राजगद्दी को छोड़कर इसने भारत की तरफ ध्यान दिया और भारत में अपने वंश, अपने राजगद्दी, अपने शास जो है राजवंश का, राजवंश की स्थापना की। और वो सिर्फ इंडिया के राजवंश पे ही ध्यान देने लगा, इसका जो बैक्ट्रिया का राजवंश था ये वहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। तो इसने क्या किया, इसने यूक्रेटाइड्स ने क्या किया, पहले इसने डेमेट्रियस वंश का जो राजवंश एक बैक्ट्रिया में था उसका, उसको अधिपत्य में लिया, है ना, डेमेट्रियस वंश के राजवंश को अधिपत्य में लिया बैक्ट्रिया वाले को। और उसके बाद इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके इसने भारत पर किस क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, तो इसने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया था, तक्षशिला को अपना क्या बनाया था, केंद्र बनाया था, यानी कि राजधानी बनाई थी। ठीक, इसने भी एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया, बड़े भूभाग को अधिकृत किया और किस क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, अपनी राजधानी बनाई, तो इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। आइए जानते हैं, जब इसने भी जो है सबसे पहले आक्रमण किया था, पहले से तो यूक्रेटाइड्स वंश भारत में था नहीं, जब इसने आक्रमण किया तो इसी के आधार पर, जब इसने, ये पहला आक्रमणकारी था, तो इसने, इसके वंश का नाम भी यूक्रेटाइड्स वंश पड़ा। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियाल किर्ट्स था, एंटियाल किर्ट्स था। सबसे प्रतापी शासक कौन था, एंटियाल किर्ट्स, किस वंश का, तो यूक्रेटाइड्स वंश का प्रतापी शासक एंटियाल किर्ट्स था। इसने, इसके शासनकाल में एक बात है, एक कहानी है जो बहुत फेमस है। इसके शासनकाल में ये कहा जाता है कि इसने क्या किया था कि इसने भागभद्र, है ना, शुंग वंश के जो भागभद्र, जो तीसरा शासक था शुंग वंश का, जो भागभद्र सा एक शासक था, तो इसने क्या किया, उसके दरबार में, उसका दरबार कहाँ था, विदिशा में। विदिशा कहाँ है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में है ना। तो इसने क्या किया, मध्य प्रदेश के विदिशा में भागभद्र का दरबार था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका शासनकाल इंडिया में था, ये शासक था। तो उस टाइम पे इसके शासनकाल के टाइम ड्यूरेशन के समय में, इसी के शासनकाल के समय में विदिशा मध्य प्रदेश में उसके शासन का, भागभद्र का शासन था उस टाइम पे। तो इसने क्या किया, अपने राजदूत किसको, हेलियोडोरस को भागभद्र के शासन में भेजा, भागभद्र के राजवंश में भेजा था, है ना। और क्या किया, भागभद्र के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था इसने, है ना, राजदूत बनाकर भेजा। तो इसने क्या किया, हेलियोडोरस जब भागभद्र के यहाँ गया तो इसने वहां पर एक स्तंभ स्थापित किया था, विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया। और उस स्तंभ का क्या नाम है, गरुड़, है ना, उस स्तंभ का क्या नाम है, तो उस स्तंभ का नाम है गरुड़ स्तंभ, है ना, उस स्तंभ का क्या नाम है, गरुड़ स्तंभ। से जानकारियां प्राप्त होती हैं कि फिर इसने, हेलियोडोरस ने किस वंश को, किस धर्म को अपना लिया था, तो इसने भागवत धर्म को अपना लिया था। और इस जो गरुड़ स्तंभ है, इसमें क्या
उल्लिखित है, क्या उल्लिखित करवाया था? तो इस हेलियोडोरस ने वासुदेव, वासुदेव उल्लिखित करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वासुदेव उल्लिखित करवाया था हेलियोडोरस ने किस स्तंभ में? तो गरुड़ स्तंभ में। कहां स्थापित करवाया था? विदिशा। विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश में है, है ना। हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो हेलियोडोरस एंटियालकिस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में गया था? तो ये भागभद्र के दरबार में गया था, जो शुंग वंश का शासक है। और वहां पे जा करके इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसके बाद इसने भागवत धर्म भी अपनाया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक दूसरे राजवंश की स्थापना होती है, जो होते जो जिनको हम शक कहते हैं, है ना। शक, 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 ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। ये भी कहां से आए थे? मध्य एशिया से ही आए थे शक, है ना। शक ये भी मध्य एशिया से आए थे। और इन्होंने इन्होंने हिंद एवं यूनानियों से भी ज्यादा बड़े भूभाग पर अधिकार किया था। यूनानियों से भी ज्यादा बड़े भूभाग पर इन्होंने अधिकार किया था। और ये भी कहां से आए थे? ये भी मध्य एशिया से आए थे। लेकिन ये पांच क्षत्रपों में विभाजित थे। ये एक इनका राजवंश नहीं था, ये पांच क्षत्रपों में, इनका पांच शाखाओं में विभाजित हुए थे। तो एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में ही शासन कर रही थी शक की, लेकिन जो चार शाखाएं थी वो ने भारत में आई। और भारत में चार जगह इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। वो चार जगह कैसे बट गए? वो चार जगह ऐसे, उत्तरी छत्रप, उत्तरी छत्रप, और जो दूसरी शाखा थी उसको उसको पश्चिमी, पश्चिमी छत्रप कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी छत्रप कहा जाता है ना। तो ये जो उत्तरी छत्रप है, उत्तरी छत्रप में दो राजवंशों ने अपने राज्य की स्थापना की थी। वो उत्तरी छत्रप कौन कौन से हैं? उत्तरी छत्रप कौन कौन से हैं? तो उत्तरी छत्रप है तक्षशिला और मथुरा, है ना। उत्तरी छत्रप में कौन कौन से आते हैं? तक्षशिला और दूसरा जो है मथुरा। मथुरा इन दो जगह पे दो वंशों ने स्थापना की, दो वंशों ने अपना केंद्र बनाया। एक का केंद्र तक्षशिला था, दूसरे का मथुरा था। इनको उत्तरी छत्रप कहा गया। और जो पश्चिमी छत्रप था वहां पे किन दो राजवंशों ने स्थापना की अपने राजवंश की, दो दो जगह को केंद्र बनाया दो अलग अलग राजवंशों ने। तो एक वंश का केंद्र था नासिक और दूसरे वंश का केंद्र था उज्जैन। उज्जैन इनको कहा गया पश्चिमी छत्रप और इनको कहा गया उत्तरी छत्रप। उत्तरी छत्रप में तक्षशिला और मथुरा इन दो राजवंशों ने अलग अलग स्थानों को अपना केंद्र बनाया। एक ने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया, दूसरे ने मथुरा को। और पहले पश्चिमी छत्रप में एक ने नासिक को बनाया और दूसरे ने उज्जैन को बनाया। तो चार राजवंश इंडिया में आ गए और एक राजवंश अफगानिस्तान में ही अपने राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों का तो उतना उल्लेख नहीं मिलता है, ये तीनों से उतने क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते कभी। लेकिन एक राजवंश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है उज्जैन, है ना। उज्जैन यानी कि मालवा। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उज्जैन, उज्जैन के बारे में बात होती है। तो उज्जैन यहां का सबसे महान शासक कौन था? उज्जैन यहाँ का सबसे महान शासक कौन था? यहाँ का सबसे महान शासक था रुद्रदामन। यहाँ का सबसे महान शासक कौन था? तो यहाँ का सबसे महान शासक था रुद्रदामन। और यहाँ पे रुद्रदामन, रुद्रदामन ने किस अभिलेख को स्थापित किया था? रुद्रदामन का बहुत ही फेमस अभिलेख है, बहुत ही ज्यादा फेमस अभिलेख है। रुद्रदामन के बारे में हम लोग बात कर लें,
तो रुद्र दामन उज्जैनी राजवंश में सबसे प्रतापी शासक था। ये संगीतकार था, व्याकरण का ज्ञाता था, तर्क शास्त्र था, है ना, ये तर्क शक्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो ये एक विद्वान शासक था रुद्र दामन, है ना, रुद्र दामन विद्वान शासक था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो चंद्रगुप्त, हमने मौर्य वंश आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो उसने, उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन इसका पुनर्निर्माण, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया है, तो रुद्र दामन ने करवाया है। और रुद्र दामन के समय पे यहाँ का राज्यपाल कौन होता था, रुद्र दामन के समय पे यहाँ का राज्यपाल कौन होता था, तो यहाँ का राज्यपाल सुविशाख होता है, है ना, सुविशाख। इसने क्या किया है रुद्र दामन ने, यहाँ का शासक रुद्र दामन, रुद्र दामन इसने क्या किया है सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र प्रांत में जो झील थी, सौराष्ट्र प्रांत में एक झील थी, उसका नाम है सुदर्शन झील, सुदर्शन, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश का संस्थापक है। लेकिन इसका पुनर्निर्माण चार शासकों ने करवाया है, लेकिन चार शासकों में एक ये भी शामिल है, कौन, रुद्र दामन। और इसके टाइम पे राज्यपाल कौन था सौराष्ट्र प्रांत का, तो सुविशाख था, सुविशाख, सुविशाख, ठीक है, सुविशाख था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो रुद्र दामन के बाद जो जो शक वंश का अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक हो गया, तो अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय था। तो रुद्र सिंह तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था, रुद्र सिंह थर्ड, है ना, ये जो है शकवंश का अंतिम शासक था। इसको क्या किया था, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण घटना है कि जो गुप्त वंश का महान प्रतापी शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी। और जब इसकी हत्या हुई, तो इसकी हत्या की खुशी में, इसकी विजय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। जो सिक्के किस धातु के बने थे, चांदी के बने थे, ठीक है, चांदी के बने थे। तो आइए, शक कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया, उज्जैन को अपना केंद्र बनाया, मालवा उज्जैन को केंद्र बनाया। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्र दामन था, जिसने सौराष्ट्र प्रांत में एक झील थी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो इसका विनिर्माण यानी कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्र दामन ने करवाया था। और उस टाइम पे सौराष्ट्र प्रांत में इसका राज्य पाल कौन था, सुविशाख, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, रुद्र दामन के बाद जो शक वंश का अंतिम शासक था वो रुद्र सिंह तृतीय था। और रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त वंश जो अब आप आगे पढ़ेंगे, गुप्त वंश के सबसे महान प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या होने की खुशी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे, जो चांदी के थे, है ना। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग कुषाणों के बारे में बात करेंगे और उत्तर मौर्य और मौर्योत्तर काल की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। क्लास पसंद है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल।